शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने रोहिंग्यास को जम्मू से बाहर निकालने को लेकर किया प्रदर्शन। शिवसेना के प्रधान मनीष सैना ने कहा कि रोहिंग्या जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर है संकट। सनातन धर्म सभा के प्रधान पुरुषोत्तम डीजी वी गीता मनी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के द्वारा पत्रकार वार्ता का किया गया आयोजन। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने 23 दिसंबर को गीता जयंती के बारे में दी जानकारी। विश्व शांति और भाईचारे को लेकर दिए उपदेश। जम्मू यूनिवर्सिटी एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी के साथ यंग बाइट्स ने की खास बातचीत। हीमा गंडोत्रा ने कहा, शिक्षा किसी भी व्यक्ति के लिए सशक्तिकरण के लिए है अति आवश्यक, सभी को जरूरी ग्रहण करनी चाहिए उपयुक्त शिक्षा। जम्मू के बेरीचराना क्षेत्र के रहने वाले जगमोहन सिंह ने स्वर्गीय पत्नी द्वारा निर्माणित 4 मंजिला इमारत को पहिए पर लादा। सड़क चौड़ीकरण के कारण मकान को तोड़ने की थी विशेषता, अब इंजीनियर्स की मदद से 200 फीट पीछे स्थापित करेंगे मकान। पुंछ और राजौरी में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान, पूछताछ के लिए 3 को लिया हिरासत में। पुंछ और राजौरी में सोमवार को एक बार फिर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ और सेना की संयुक्त टीमों ने दोनों जिलों में विभिन्न जंगलों को खंगाला। राष्ट्रीय चुनाव से कुछ महीने पहले 4 राज्यों में से 3 चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कश्मीर में पार्टी मुख्यालय के बाहर मनाया गया जश्न। छोटे तारे फाउंडेशन के को फाउंडर के साथ यंग बाइट्स ने की विशेष बातचीत, जिसमें सरकारी महिला कॉलेज के सहयोग से विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तेलंगाना में वायुसेना का विमान क्रैश, 2 पायलटों की दर्दनाक मौत। घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख। भारतीय वायुसेना ने हादसे की वजह जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के दिए आदेश। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बीच आज संसद के शीत सत्र का पहला दिन। सांसदों ने पीएम मोदी का तालियों के साथ किया स्वागत। राघव चड्ढा 115 दिन बाद संसद लौटे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3री बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे।